ये नीतीश की टोपी का ही परिणाम। यानी कि रमाकांत जी, आपको क्या लगता है कि राजनीतिक रूप से ये बयान आरजेडी या फिर महागठबंधन सरकार के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि लोग अब वाकई में आरजेडी को और नीतीश कुमार की सरकार को निशाने पर लेंगे, कहेंगे कि देखिए ये तो हिंदू विरोधी सरकार है। देखिए एक बात तो है, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि जब भी कोई क्रिया करेंगे उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो इस बयान से कितना मुस्लिम गोलबंद होते हैं, कितना पिछड़ा गोलबंद होते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी पूरे देश में हिंदू का स्वर ज्यादा कठोर हो गया है। कोई जीभ काट लेने की बात कर रहा है, कोई कुछ कहने की बात कर रहा है, तो जाने अनजाने में उन्होंने एक गोलबंदी का मौका भाजपाई को हाथ में थमा दिया, एक मुद्दा थमा दिया, जिससे सोई हुई जो राजनीति है वो भाजपा की, वो फिर एक बार और बिहार में गर्म हो जाएगी। जी नहीं, तो जो क्या आप बीजेपी क्या इसको लेकर एक एडवांटेजियस पोजीशन में आपको लगती है कि बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाएगी, और हो सकता है कि ये एक ऐसा बयान हो जो वाकई में बीजेपी को एक बिल्कुल पोल पोजीशन में लाकर बिहार में खड़ा कर देगा? देखिए ये तो स्वतः ही एक फायदा बीजेपी को, उसके लिए बीजेपी को कुछ करना नहीं होगा। एक स्वतः प्रतिक्रिया एक आम मनुष्य की होती है, और तमाम हम कह सकते हैं जितने बुद्धिजीवी हैं, जो रामायण को समझते हैं, रामचरितमानस की भाषा और उसके ध्येय को समझते हैं, उन्हें यह बयान खराब लगा होगा। जैसे ही खराब लगा होगा तो उनके प्रति जो है एक नकारात्मक भाव आएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सीमांचल के एरिया में अमित शाह जी आए थे, तो उस एरिया में इस बयान के बाद और गोलबंदी बढ़ेगी जो भाजपा के पक्ष में होगी। इसलिए कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अमित शाह के आगमन के बाद ऐसे बयानों का सीमांचल के क्षेत्र में या फिर मिथिलांचल के क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जहां मुस्लिम मत की एक अच्छी खासी संख्या है। जी यानी कि फिर हम इसे क्या समझे, क्या ये एक राजनीतिक गलती है आरजेडी की जो कि महागठबंधन को महंगी पड़ सकती है? तो इसके लिए अब क्या करेंगे, क्या नीतीश कुमार उनके खिलाफ कोई प्यूरिटिव मेजर उठाएंगे या फिर कोई वार्निंग देंगे कि भाई इस तरीके के बयानबाजी ना हो, वो ज्यादा बेहतर है? देखिए वो तो कहेंगे भाई कि उनके दल के लोग हैं, वो उनके जो करना चाहें करें, लेकिन वो अपना पल्ला इसलिए झाड़ देंगे क्योंकि जानते हैं कि इस बात की चर्चा जिस कारण से करें, चाहे उनके बयान वापसी को लेकर करें, चाहे उनके माफीनामा को लेकर करें, फायदा भाजपा को ही होने जा रहा है। क्योंकि वो जैसे ही अगर माफी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा भाजपा की तरफ से कि देखिए उन्होंने गलती की, और ऐसी गलती लगातार करते रहते हैं, इनका नियत में खोट थी इसलिए उन्होंने माफी मांगा है, ये पूरे समाज को बांटना चाहते हैं, ये उनकी राजनीति है, ऐसा कह के भाजपा और एज लेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है इस पर कोई कुछ बोलेगा, चुपचाप धीरे धीरे कई बातें दब जाती है, वो जो होता है मौन कायम कर लेंगे और धीरे धीरे बातें गुजर जाएगी या कोई नया मुद्दा छेड़ देंगे इस बीच। चलिए अब बैठे बैठाए बीजेपी को एक मुद्दा जरूर मिल गया है, लेकिन अब इस रामचरितमानस पर कि क्या वो नफरत फैलाती है इसको लेकर भी अभी उधेड़ बुन अब चलेगी कुछ दिनों तक। थैंक यू सो मच रमाकांत चंदन जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइव।